देखो सर बच्चे ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट है ना, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो सर बच्चे ध्यान दीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि सबसेट होगा कि नहीं होगा। देखो फिल सबसेट और नॉट सबसेट इन ब्लैंक स्पेसेस, क्वेश्चन दिए गए हैं, दो सेट दिए गए हैं, उनके बीच में कुछ स्पेसेस दिए गए हैं, हमें उन स्पेसेस में सबसेट या नॉट सबसेट को फिल करना है ना। जो बीच में स्पेस दिया गया है उस स्पेस में हमको सबसेट या नॉट सबसेट को फिल करना है। देखो ध्यान दो, जैसे एक सेट क्या है, ए बी सी है ना, ये सेट है ए बी सी और ये सेट क्या है बी सी डी, तो क्या ये इसका सबसेट होगा, हमको बताना है क्या ये इसका सबसेट होगा। तो देखो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ए ऐसा है जो इसमें नहीं है ना, इसमें एक एलिमेंट ए ऐसा है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो बीच की जगह पर ये भरना होगा नॉट सबसेट है ना। जो बीच का प्लेस है, जो यहां पर ब्लैंक स्पेस है, उस ब्लैंक स्पेस में क्या भरना होगा, नॉट सबसेट, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। ध्यान दो अगला क्या है, सब बच्चे लिखो साथ साथ, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल है ना, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल, ये एक सेट हुआ, बीच में स्पेस है। देखो दूसरा क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल है ना, यहां पर जो एक्स है वो क्लास 11 का स्टूडेंट है और यहां पर जो एक्स है वो पूरे स्कूल का एक स्टूडेंट है, मतलब अब क्या ये इसका सबसेट होगा। तो देखो ध्यान दो, जो क्लास 11 में पढ़ने वाला बच्चा है इसका मतलब वो पूरे स्कूल का तो बच्चा वैसे भी हो गया, जो क्लास 11 में पढ़ने वाला बच्चा है वो पूरे स्कूल का बच्चा तो ऑटोमेटिक हो गया, मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बोलो, सबसेट। तो यहाँ के स्पेस पर क्या भरना होगा बोलो, सबसेट है ना, तो इस जगह पर क्या भरना होगा, सबसेट, क्योंकि ये इसका सबसेट है। ठीक, अगला देखें क्या है, देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन, क्या है बोलो, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन। ठीक, दूसरा क्या है, देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 है ना, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1, यानी यहां पर कोई भी सर्कल है और यहां पर जो सर्कल है उसकी रेडियस 1 है, तो अब यहां पर जो सर्कल है वहां रेडियस तो बताई नहीं, हो सकता उसकी रेडियस 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 भी हो सकती है, तो इसमें बहुत सारे सर्कल हैं, इसमें रेडियस 1 के भी सर्कल हैं, रेडियस 2 के भी सर्कल हैं, रेडियस 3 के भी सर्कल हैं, रेडियस 4 के भी सर्कल हैं, जबकि इसमें सिर्फ रेडियस 1 के सर्कल है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। हाँ उल्टा है, एक्चुअली ये इसका सबसेट है, ये वाला सेट इसका सबसेट है, क्योंकि जो रेडियस 1 के सर्कल हैं वो सारे सर्कल में आएंगे, लेकिन सारे सर्कल रेडियस 1 के सर्कल में नहीं आएंगे, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, तो यहां पर भरा जाएगा नॉट सबसेट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन है ना, एक्स सच दैट इस सिंबल किसका है बोलो, सच दैट का, यहां पर जितने भी सेट हैं देखो इन तीनों को उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, जब भी सच दैट का यूज करते हैं तो इसका मतलब सेट किस में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन, और यहां पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन सेम प्लेन, तो यहां पर जो एक्स है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहां पर जो एक्स है वो क्या है, सिर्फ एक ट्रायंगल, तो इसका मतलब इसमें सारे ट्रायंगल हैं, इक्विलेटरल भी हैं, आइसोसेलेस भी हैं है ना, राइट एंगल भी हैं, जितने ट्रायंगल हो सकते हैं वो सब इसमें हैं, और इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब
ये सेट इस सेट से छोटा है। क्या मतलब हुआ कि ये सेट इस सेट से छोटा है, इसमें आने वाले सारे एलिमेंट इसमें आ ही जाएंगे क्योंकि इसके पास सारे ट्रायंगल हैं और इसके पास सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो यहां पर क्या भरना होगा, बोलो सबसेट। यहां पर क्या भरना होगा, सबसेट, है ना। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल और बनाए जा सकते हैं, सब बच्चे इनको ध्यान से लिखिए और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप अपने आप से निकाल सकते हैं। लिखो सब बच्चे जल्दी से इसको।